नमस्कार दोस्तों, BSL मिलियन में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो हम अभी आए हैं अपने गांव यानी कि बिहार, और बिहार में हम आपको आज दिखाने वाले हैं गन्ना का खेत, यानी गन्ना का खेती कैसे किया जाता है, यानी गन्ना का बिजनेस कैसे किया जाता है। तो हम दिखाएंगे, अपने कैमरामैन पवन जी से बोलेंगे कि थोड़ा गन्ना का खेत दिखाइए। तो आप देख रहे हैं कि गन्ना का खेती कैसे किया जाता है। अभी गन्ना का कटाई शुरू हुआ है और जनवरी के महीने में है 2023। मेरे सभी दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से। तो अभी हम आए हैं गन्ना के खेत में और गन्ना के किसानों से मिलने के लिए। तो हमारे साथ हैं प्रशांत कुमार, आपका नाम क्या हुआ? प्रशांत कुमार राय। प्रशांत कुमार राय मेरा दोस्त भी है और ये गन्ना का खेती लगभग 15-20 सालों से करते आ रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि गन्ना के खेती में कैसे प्रोसेस होता है, कब बुआई किया जाता है, कब कटाई किया जाता है और क्या क्या प्रोसेस किया जाता है। तो मेरे चैनल में आपका सबसे पहले स्वागत है। तो आप बताइए कि गन्ना का बुआई कब होता है? नवंबर से चालू हो जाता है। नवंबर से चालू होता है। गन्ना का बुआई का प्रोसेस कैसे किया जाता है, क्या करना होता है? नवंबर से लेकर यानी फरवरी तक, लास्ट फरवरी तक बोया जाता है। गन्ना का जो बुआई होता है वो खेत को कैसे तैयार किया जाता है? खेत को तैयार करते हैं, उसको जुताई करेंगे पहले। हाँ। उसके बाद में उसमें खाद डालेंगे। हाँ। डालकर फिर जोतेंगे, फिर टेंचर काटेंगे, उसमें बीज लाकर डालेंगे। उसके बाद में उसको मिट्टी हटाएंगे। उसके बाद जर्मिनेशन जब होगा तो उसमें पानी डालेंगे। तो जैसा कि ये बता रहे हैं कि गन्ना का जो बुआई का प्रोसेस होता है नवंबर से लेकर के फरवरी मार्च तक चलता है, और पहले खेत को जब तैयार किया जाता है तो उसको पहले जुताई किया जाता है 2-3 बार, फिर उसको एक टेंचर होता है, उसको काट करके पूरा लंबा प्रोसेस किया जाता है, और गन्ना को छोट छोट पार्ट में जैसे काट करके उसको बुआई किया जाता है। उसमें खाद का जो मात्रा होता है कैसे दिया जाता है? खाद का मात्रा जैसे खेत का हिसाब से दिया जाता है। कट्ठा के हिसाब से दिया जाता है ना बीघा के हिसाब से? कट्ठा का हिसाब से दिया जाता है, बीघा का हिसाब से नहीं दिया जाता है। तो एक कट्ठा में कितने? एक कट्ठा में कम से कम 2 kg खाद होना चाहिए, DAP। अच्छा। इसमें और खाद है जैसे जिंक हो गया, पोटाश हो गया, सब मिलाकर देना पड़ता है। तो मतलब कि एक कट्ठा में लगभग 2 kg DAP दिया जाता है, उसके साथ और भी जिंक पोटाश वगैरह का जो मात्रा होता है, जो शुगर मिल है उसका अधिकारी आते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे कैसे देना है और कौन सा वैरायटी लगाना है। लगभग कौन सा वैरायटी का गन्ना अभी अच्छा आपको देता है प्रॉफिट? अभी तो 38 चल रहा है, 0-38 है। तो अभी जो गन्ना का वैरायटी है जो ले रहा है वो 0238 वैरायटी है। तो इस तरह से अभी देख रहे हैं कि गन्ना का कटाई हो रहा है। किस किस महीने में गन्ना में पानी दिया जाता है? गन्ना में पानी के लिए अभी से पानी स्टार्ट हो जाना चाहिए। अभी गन्ना कट रहा है, फिर भी गन्ना में पानी देकर ही काटे तो अच्छा रहता है। अच्छा। वेट अच्छा रहता है। अच्छा। लेकिन उतना सुविधा नहीं है तो ऐसे भी काटते हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि गन्ना के बुआई में पर कट्ठा खर्चा कितना आता है? पर कट्ठा में मान कर चलिए 500 रुपये से कम नहीं लगेगा, जुताई बीज सब लेकर 500 रुपये का। जुताई से लेकर के बीज तक का जो प्रोसेस होता है, बुआई का जो पर कट्ठा का खर्च आता है 500 रुपये आता है। उसके बाद जो देख रेख किया जाता है, जैसे कि उसमें पानी दिया जाता है, फिर बीच में खाद दिया जाता है, वो सबका अलग से खर्च किया जाता है। तो गन्ना का जो कटाई है वो कब से चालू होता है? वो तो नवंबर से चालू हो जाता है। तो जैसा कि हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि गन्ना का कटाई लगभग चालू है, हमारे पीछे जो किसान वगैरह लोग हैं कटाई कर रहे हैं, तो लगभग मतलब नवंबर के लास्ट मंथ में इसे कटाई स्टार्ट हो जाता है। अभी हम जनवरी महीने में हैं और देख रहे हैं कि काफ़ी अभी गन्ना लगा हुआ है खेतों में, और जैसे जैसे होगा वो कटाई करके, जैसे देख रहे हैं कि सामने जो ट्रॉली लोड हो रहा है ट्रैक्टर पर, वैसे कुछ काट करके फिर लदाई किया जाता है। और इस तरफ से हम कैमरामैन पवन जी से बोलेंगे, इस तरफ से जो गन्ना का कटाई भी होता है, जो इसको हम लोग बिहार के भाषा में भोजपुरी में गेर कहते हैं, तो इसको काट करके अलग कर लिया जाता है। ये गाय भैंस जो किसानों का जो होते हैं वो खाते हैं, और बाकी जो गन्ना जो बच जाता है उसको कुछ इस तरह से जो आप दिख रहे हैं ट्रैक्टर पर लदाई होता है, फिर उसको मिल तक पहुँचाया जाता है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में मिल में जैसे प्रोसेस किया जाता है, उसको चीनी बनाया जाता है, वो हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक अभी के डेट में हम जो गन्ना के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसी पे फिर से बात कर रहे हैं कि आपका गन्ना का जो बुआई होता है और कटाई का प्रोसेस होता है, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस का सबसे बड़ा समस्या आता है कि किसानों को प्रॉफिट और लॉस कैसे होता है।
तो प्रॉफिट के बारे में बात करें तो एक कट्ठा में आपका कितना गन्ना तैयार हो जाता है? एक कट्ठा में लमसम अच्छा गन्ना देगा तो 15 क्विंटल हो जाता है। एक कट्ठा में 15 क्विंटल मतलब कि गन्ना निकल के तैयार होता है। तो अभी गन्ना का रेट क्या है? गन्ना का रेट अभी 350 का चल रहा है। 350 रुपये क्विंटल यानी कि 3.5 रुपये पर केजी के हिसाब से गन्ना किसानों के द्वारा मिल तक पहुंचता है, और मिल में पहुंचाने का जो खर्च है यहाँ से वो कितना लगभग पड़ जाता है पर क्विंटल में? मतलब 60 रुपये पड़ता है क्विंटल से। 350 प्रति क्विंटल के रेट से अगर लेती है तो 60 रुपये यहाँ से जो ट्रेवलिंग होता है, कैरिंग का खर्चा होता है, वो निकल जाता है। तो मोटा मोटी किसानों तक लगभग 280 रुपये के आसपास का बचत होता है। एक बार गन्ना लगाने के बाद कितने साल तक उसको लगातार काटा जाता है? वो अपना गन्ना सक्सेस जैसा अच्छा पौधा है तो 2-3 साल तक भी काट सकते हैं, 4 साल तक भी काट सकते हैं। तो जैसा कि प्रशांत जी बता रहे हैं कि गन्ना एक बार अगर आप लगा रहे हैं तो उसको 2-4 साल तक लगातार काट करके फिर उसको नया से प्रोसेस किया जाता है। तो इस तरह से गन्ना का टोटल कॉस्ट बचा करके एक क्विंटल गन्ना पे किसान को कितना प्रॉफिट हो जाता है? बन जाता है, जैसे आप खर्चा काट लीजिए ना उसमें निकल जाता है ना, जैसे 60 रुपये भाड़ा निकाल दिए, ओके, उसके बाद में 500 वो खर्च हुआ, फिर ऊपर में पानी डाले ये सब लेकर मतलब मैक्सिमम 15 में कितना होगा? 45 रुपया हुआ उसमें, मान कर चलिए 1000 या 1500 मान कर चलिए खर्च उसमें निकाल दिए। जहाँ तक कि अगर जो प्रशांत जी हमारे हिसाब से बता रहे हैं कि 5000 का गन्ना अगर है तो उसमें लगभग 1500 से 2000 तक का खर्च निकल जाता है और उसमें 3000 रुपये प्रॉफिट हो जाता है। तो अब आप हम जानेंगे कि हमारा जो किसान है, सब कोई जानता है कि सरकार किसान को सुविधा देती है, क्या सुविधा आप लोगों को किसान सरकार की तरफ से मिलता है? मिलता है लेकिन हम लोग एरिया में नहीं है, हम लोगों को पास में नहीं पहुंच पाता है, हम लोगों को नहीं मिलता है, हम लोग एरिया से बाहर। तो जहाँ तक कि सवाल यह है कि जो मिल के जो एरिया में पड़ता है उसको सब्सिडी मिलता है, लेकिन मिल से जो एरिया के बाहर होता है, हम लोग के पास से कम 25-30 किलोमीटर दूर जो मिल है शुगर मिल, वो दूरी में पड़ता है। तो इधर जो एरिया में किसान है उनको सब्सिडी वगैरह और गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी संदेश देना चाहते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं या जो भी जो अधिकारी हैं, कि किसानों तक गन्ना का जो सब्सिडी है वो पहुँचाना चाहिए, पहुँचना चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसान आगे कुछ बेहतर कर सके। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और जानकारी भी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत अधिक लोगों तक पहुँचे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम जरूर वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए कि मेरा वीडियो का ये जानकारी कैसा लगा। और तब तक आपसे हम विदा लेते हैं। हमारे पीछे जो कैमरामैन है पवन जी और हमारे प्रशांत जी जो हमसे बात करने के लिए, इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड लक, हैप्पी न्यू।